मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी अपने निम्न स्तर तक पहुंच गई है। बीजेपी उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को 10 जनपद की बीन पर नाचने वाला बताया, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रामेश्वर शर्मा को सपोला कहा। बीजेपी विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह 10 जनपद की बीन पर नाचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पर दिग्विजय सिंह बिल से बाहर राजनीति करने निकलते हैं, फिर बिल में जाकर बैठ जाते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए कम करने की चुनावी घोषणा करने के बाद भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, तब दिग्विजय सिंह क्यों चुप थे। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की राजनीतिक जमीन को बंजर करने में जुटे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने नए नौटंकी की शुरुआत की है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जो 10 जनपद की बीन पर अपने फन को फुसकारते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को नेस्त नाबूद करने वाले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की जनता के सामने घड़ियाले आंसू बहाने का ड्रामा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के 5 रुपये भाव कम करने का वादा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार की वापसी की थी। क्या दिग्विजय सिंह अपने मुँह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने मध्य प्रदेश में बैट बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल पर रेट भाव नहीं बढ़ाए? क्या दिग्विजय सिंह जी ये बताएंगे कि क्या हर किसान का कर्जा माफ़ कर दिया आपने 2 लाख तक? क्या दिग्विजय सिंह जी ये बताएंगे कि आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया? क्या दिग्विजय सिंह जी ये बताएंगे कि कमलनाथ ने बेटियों के विवाह को 51,000 रुपये की घोषणा की थी, वो प्रत्येक बेटी को मिल गया क्या? कांग्रेस राजनीतिक ड्रामा विगत 70 साल की राजनीति से लगातार कर रही है। कांग्रेस महंगाई की अगर कोई असली जड़ है, महंगाई और अराजकता और भ्रष्टाचार की अगर कोई माँ है, तो उसका नाम कांग्रेस है। इस बयानबाजी के बाद पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह समर्थक विधायक पीसी शर्मा ने रामेश्वर शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा रामेश्वर शर्मा खुद सपोले हैं। उन्होंने कहा रामेश्वर शर्मा इतने बड़े नेता नहीं है कि वे दिग्विजय सिंह पर टीका टिप्पणी करें। दिग्विजय सिंह जी जैसा मुखर और हर बात पे टिप्पणी करने वाला नेता दूसरा देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो बात कहते हैं वो सच निकलती है और बाद में लोग कहते हैं कि हाँ, एक साल पहले या 2 साल पहले सच कहा था। जब जब जो ने कहा है वो प्रमाणिक हुआ है और प्रमाण के बगैर कुछ कहते नहीं है। और अगर रामेश्वर शर्मा, मैं समझता हूँ कि अभी इतने बड़े नेता नहीं हुए, चाहे कितनी मक्खनबाजी कर लें, ये मंत्रिमंडल में आने वाले नहीं हैं और खुद सपोले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।